कुछ लोग वेब सीरीज या फिर मूवीज देख के इंस्पायर हो जाते हैं। जब स्कैम 1992 रिलीज हुई तब काफी ज्यादा लोगों ने उस कैरेक्टर से इंस्पायर होकर अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाए और अपने ट्रेडिंग की शुरुआत की। अब जो ये नई वेब सीरीज आई है स्कैम 2003, जब ये रिलीज हुई ना तो उसमें दिखाया है कि 15,000 करोड़ का स्कैम का घोटाला किया। कुछ लोगों की वेब सीरीज देखने की पॉजिटिव थिंकिंग होती है और कुछ लोगों की निगेटिव थिंकिंग। जो मैं आपको स्कैम बताने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह ही है। बंदे ने ना खुद ही का टोल प्लाजा लगा दिया और 1.5 साल तक इस बिजनेस को रन करता रहा और 1.5 साल तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हुई क्योंकि भाई पूरा सिस्टम मिला हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम करने के लिए अकेला बंदा काफी नहीं है। लेकिन और एक चौंकाने वाली बात है क्योंकि 1.5 साल में सिर्फ 75 करोड़ का स्कैम। लेकिन ये नंबर तो सिर्फ बताने के, मुझे लगता है कि ये नंबर काफी बड़ा।